ये बन के तैयार है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त शेप आई है। मेरा रोज़ है वरना मैं आपको चेक करके दिखाता। थैंक यू व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल फूडीज टू। आज मैं आपके साथ पिनव्हील समोसा की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले कि हम रेसिपी शुरू करें, काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये बहुत मज़ेदार और इजी होते हैं, ये बहुत इजीली बन जाते हैं। आप इसको इफ्तार में बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले हम रेसिपी में डो बना लेंगे। डो बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें 2 कप मैदा, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन और हसबे ज़रूरत पानी। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे घोलने के लिए, उसमें मैदा डाल देंगे। इसके बाद 1 चम्मच नमक डाल देंगे, चम्मच अजवाइन डाल देंगे और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के भूनते जाएंगे। ये अच्छी तरह गूंद लिया, इतना गूंद है कि ये आपको हाथ को चिपके ना। अब हम इसको 15 से 20 मिनट रख लेंगे। अब दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं, आते हैं स्टफिंग की तरफ। यहाँ मैंने बॉईल किए हुए 6 से 7 आलू ले लिए नॉर्मल साइज़ के, और इधर मैंने एक कटोरी बॉईल चिकन ले लिया। ये आलूओं को हम मैश कर लेंगे। यहाँ मैंने श्रेडेड चिकन लिया है, चिकन बॉईल कर दो, उसके रेशे रेशे कर लेंगे। हम एक पैन ले लेंगे, 2 से 3 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। और ये लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ चिकन डाल देंगे। मैंने फ्लेम लो कर ली, अब इसमें आधा चम्मच मैं नमक डालूंगा। आधा चम्मच सूरज मिर्च डालेंगे। करीबन आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। 2 चम्मच के करीब सोया सॉस डालेंगे। दो चम्मच के करीब चिल्ली सॉस डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे आप अच्छी तरह। आंच थोड़ी सी तेज कर लीजिएगा।
इसमें मैश किए हुए आलू डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें धनिया डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर इसे सोया मिर्च डाल लेंगे। अब काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें सफेद मिर्च मिक्स हो गई है अच्छी तरह। आप इसको चूल्हा बंद करके सेपरेट बोल में निकाल लेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। ये डो को हमने 20 से 25 मिनट रखा है। अब इसको निकाल के इसके पेड़े बना लेंगे। तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी रोटी बना लेंगे। रोटी थोड़ी सी मोटी रखिएगा। चकोर भी बना सकते हैं और गोल भी बना सकते हैं। रोटी बन गई, इसके ऊपर स्टफिंग काट लेंगे। इसको खिला लेंगे अच्छी तरह। इसको सारे कलर खिला लिए। अब चिली सॉस डालेंगे इसके ऊपर। इसी तरह कैचअप ले लेंगे, उसको भी खिला लेंगे। अब हम इसका रोल बना लेंगे। ये बन के तैयार है। इसको काट लेंगे, आराम से काटिएगा। इसी तरह निकाल के रखते जाएंगे।
आराम आराम से इसको काटिएगा ताकि इसकी शेप खराब ना हो। इसी तरह बनाते जाएंगे। जलेबी बनाने के लिए 2 चम्मच मैदा लिया, 2 चम्मच पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा और पानी डालेंगे। लई बन के तैयार हो गई है। अब इनमें दोनों साइड से डिप करेंगे, इसको डाल देंगे कढ़ाई में। इसी तरह बाकी सब भी डाल देंगे। अब ये बन गए हैं, निकाल लेंगे। ये तैयार है, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त शेप आई है। मेरा जो रोज़ है बनना, मैं आपको चेक करके दिखाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।